स्वागत है शहर की प्रमुख हलचल के साथ, मैं हूँ प्रभा। त्रिशला नंदन वीर की जय, बोलो महावीर की जय घोष के साथ सकल जैन समाज ने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर शहर में निकाला भव्य चल समारोह। शहर विधायक के साथ हजारों की संख्या में जैन समाज के धर्मावलंबी हुए शामिल। भारत के संविधान निर्माता गरीबों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर कांग्रेस द्वारा किया गया माल्यार्पण। और रतलाम शहर के ऐतिहासिक धरोहर रणजीत विलास पैलेस का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी। रणजीत विलास पैलेस का जल्द होगा कायाकल्प। विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर का जन्म कल्याणक रतलाम में भी धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश के साथ साथ भगवान महावीर के जयकारे यहाँ घर घर गूंजे। पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर का जन्म कल्याणक रतलाम में भी धूमधाम से मनाया गया। पूरे देश के साथ साथ भगवान महावीर के जयकारे यहां घर घर गूंजे। त्रिशला नंदन वीर की जय, बोलो महावीर की के जय घोष के साथ सकल जैन समाज ने शहर में चल समारोह निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में जैन समाज के धर्मावलंबी शामिल हुए। चौमुखी पुल से शुरू हुआ यह चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से निकला, जहां जगह जगह इस चल समारोह का भव्य स्वागत किया गया। इस चल समारोह में भगवान महावीर की आकर्षक पालकी को कहीं भक्तों ने अपने कंधों पर उठाया तो कहीं बैलगाड़ी में प्रभु को विराजित किया गया। सबसे पहले धर्म ध्वजा को अपने हाथों में उठाए घोड़े पर सवार धर्मावलंबियों ने चल समारोह की शुरुआत की। उसके बाद सकल जैन समाज ने भगवान महावीर के जय घोष एक साथ प्रभु भक्ति में रमते नजर आए। वहीं सागोद रोड स्थित जैन स्कूल में स्वामी वात्सल्य और धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें तपस्वियों का बहुमान भी किया गया। गौरतलब है कि बीते 2 सालों बाद यह पहला मौका है जब शहर में भगवान महावीर जन्म कल्याणक का ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ समाज जन शामिल हुए। इस मौके पर सभी मंदिरों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर कांग्रेस द्वारा माल्यार्पण किया गया। भारत रत्न संविधान निर्माता गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी ने भारत रत्न आधुनिक भारत के संविधान निर्माता गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर माल्यार्पण कर नगरवासियों को हार्दिक बधाई दी। शहर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को एक सर्वसमावेशी प्रगतिशील संविधान प्रदान करने एवं देश के करोड़ों दलितों में शोषण, उत्पीड़न और असमानता से मुक्ति की भावना जगाकर उन्हें समाज में बराबरी में खड़े करने का श्रेय किसी को है तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को है। कांग्रेस जनों द्वारा समरसता और समानता के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बसंत पंड्या, कमरुद्दीन कछवाय, वरिष्ठ कांग्रेस महामंत्री राजीव रावत, रजनीकांत व्यास, सुजीत उपाध्याय, कांग्रेस नेत्री प्रेमलता दवे, हितेश पेमाल आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। रतलाम शहर के ऐतिहासिक धरोहर रणजीत विलास पैलेस का निरीक्षण करने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी पहुंचे। जिला प्रशासन ने संरक्षण व जीर्णोद्धार के लिए रुचि दिखाई है।
रतलाम शहर की पहचान और प्राचीन धरोहर रणजीत विलास पैलेस के दिन अब बदलने वाले हैं। खंडहर में तब्दील होती जा रही शहर की इस अमूल्य धरोहर के कायाकल्प के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी अभिषेक तिवारी ने महलवाड़ा का दौरा कर इस पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण के लिए चर्चा की है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि शहर की पुरातात्विक धरोहरों का निरीक्षण किया जा रहा है और यहाँ का संगठन अब एक्टिव हो रहा है। जिला प्रशासन की कोशिश रहेगी कि एक संपूर्ण योजना बनाकर इस पुरातात्विक धरोहर का वैभव लौटाया जाए। रतलाम के अंतिम महाराजा लोकेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद उनका कोई वारिस नहीं होने से राजमहल और इसकी संपत्ति विवादों में पड़ गई। इस दौरान अवैध तरीके से महल की संपत्तियों की जमकर बंदर बांट हुई। रतलाम शहर की अमूल्य धरोहर रणजीत विलास पैलेस के अंदर और बाहर लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। यहां तक कि इस प्राचीन धरोहर की 20 फीट मोटी दीवारों में भी जगह बनाकर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। महल के भव्य मुख्य द्वार पर भी अतिक्रमण कर लोगों ने अवैध मकान और दुकानें बना ली। रणजीत विलास पैलेस को म्यूजियम के तौर पर विकसित करने के लिए भी स्थानीय विधायक चेतनी काश्यप ने पर्यटन विकास निगम को पत्र लिखे थे। बहरहाल इस ऐतिहासिक धरोहर का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रणजीत विलास पैलेस के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए रुचि दिखाई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि यह एक बड़ा कार्य है जिसके लिए योजना बनाकर प्रशासन धीरे धीरे शुरुआत करने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा पुरातात्विक महत्व की इस धरोहर को सहेजने की पहल से एक बार फिर यह उम्मीद जागी है कि रतलाम के रणजीत विलास पैलेस का पुराना गौरव एक बार फिर लौट सकेगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जानकारी देते हुए बताया, बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज डे आने वाला है और एक रतलाम की जो इतनी पुरातत्वीय और ऐतिहासिक धरोहर है, ये खुद से देखने का अवसर था। अब थोड़ा एक्टिव हुआ है यहाँ का संगठन, तो हम चूँकि ये बहुत बड़ा काम है, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम धीरे धीरे इसका एक प्लान बना के कोशिश करेंगे कि पुराना वैभव लौटा है, इसी पे कुछ अभी शुरुआत हुई है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार, जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8894689899, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टू लेन पुलिस लाइन के। खरगोन में सांप्रदायिक तनाव के बाद रतलाम पुलिस हाई अलर्ट पर है। रतलाम पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया है। जयपुर को दहलाने की साजिश के रतलाम कनेक्शन मिलने और खरगोन में सांप्रदायिक तनाव के बाद रतलाम पुलिस हाई अलर्ट पर है। रतलाम पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया है। बीती रात पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं गुंडों और असामाजिक तत्वों को फ्लैग मार्च के माध्यम से चेतावनी भी दी गई कि शहर में माहौल बिगाड़ने वालों के लिए रतलाम पुलिस की तैयारी पूरी है।
बुधवार रात शहर की सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ निकले एसपी अभिषेक तिवारी को देखकर हर कोई चौंक गया। खरगोन में सांप्रदायिक तनाव की घटना घटित होने के बाद असामाजिक तत्वों और माहौल खराब करने वालों को सख्त मैसेज देने के लिए एसपी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में जिले के पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पैलेस रोड पर आयोजित की गई बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष भी शामिल हुए। महिला मोर्चा की जिला बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पैलेस रोड पर आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, जिला मंत्री श्रीमती सोना शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती अनीता कटारिया आदि सम्मिलित हुई। बैठक में आगामी 19 तारीख मंगलवार को प्रत्येक वार्ड के हर बूथ पर जाकर आंगनबाड़ी सर्वे कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के संदर्भ में आयोजित की गई थी। बैठक में प्रमुख रूप से सम्मिलित रतलाम जिले के पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सम्मिलित रहीं। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के गढ़कैलाश प्रखंड द्वारा श्री राम जन्मोत्सव धानमंडी स्थित हनुमान जी के मंदिर पर महाआरती कर मनाया गया। महाआरती में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। महाआरती पश्चात महाप्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। त्रिशला नंदनवीर की जय, बोलो महावीर की जय घोष के साथ सकल जैन समाज ने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर शहर में निकाला भव्य चल समारोह। शहर विधायक के साथ हजारों की संख्या में जैन समाज के धर्मावलंबी हुए शामिल। भारत के संविधान निर्माता गरीबों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर कांग्रेस द्वारा किया गया माल्यार्पण। और रतलाम शहर के ऐतिहासिक धरोहर रणजीत विलास पैलेस का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी। रणजीत विलास पैलेस का जल्द होगा कायाकल्प।